बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सऊदी न्यूज़ टुडे। दोस्तों मैं हूँ आपको ऑस्ट्रेलिया तजुर्बे के हवाले से एक नई अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। अरब इतिहाद के तर्जमान कर्नल तुर्की अलमालकी के मुताबिक सऊदी शाही फजाया ने यमन से दागे जाने वाले ब्लास्टिक मिज़ाइल हमले को नाकाम बना दिया है। ये हमला जुमे की सुबह किया गया था। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक तर्जमान ने कहा है कि ईरान नवाज होसी दहशतगर्द मलेशिया की जानिब से किए जाने वाले हमले को नाकाम बना दिया गया है। ब्लास्टिक मिज़ाइल हमले से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कर्नल अलमालकी की जानिब से जारी करदा बयान में मजीद कहा गया है कि मिज़ाइल हमला जो ईरान नवाज होसियों की जानिब से किया जाता रहा है, बैन अल-अक़वामी इंसानी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। तुर्की अलमालकी ने मजीद कहा कि इतिहादी अफवाज इंतहाई ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, ताहम ईरान नवाज होसियों को आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सऊदी मसला अफवाज अपने वतन और शहरियों की हिफाजत और सलामती की मुकम्मल सलाहियत रखती है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल सऊदी न्यूज़ टुडे को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।